हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ के टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्लस आपका आरपीएफ एसएससी जीडी अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप अभी तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियो देखनी है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए और पूरी वीडियो समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो यहां पे पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास कुल 8400 रुपए थे, इनमें से कुछ धन उसने साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर तथा शेष 6/2/3% वार्षिक दर पर उधार दिया। इनसे उसकी कुल वार्षिक आय 588 रुपये हुई। प्रत्येक दर पर दिए गए धन ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं, बट सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा एलिगेशन मेथड। ठीक है, अगर आपको आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता होगा तो आप यहाँ पे मिक्सर एलिगेशन की भी जो ट्रिक होती है उसको सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम एलिगेशन मेथड को यूज करते हैं हमें पता होना चाहिए तीन चीज़ों में से हमें दो तो परसेंटेज में पता है, एक अमाउंट पता है 588 रुपये। तो इस 588 को भी अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूँ तो तीनों चीज़ें हमें परसेंटेज में पता चल जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ पे 8400 रुपये का कुछ भाग तो दिया गया है 8% पे, और कुछ जो शेष भाग बचा वो दिया गया है 6/2/3%, यानी कि 20/3% पे उधार दिया गया है। ठीक है, यानी कि ब्याज पे दिया गया है। तो यहाँ से जो आय हुई है, जो मतलब इंटरेस्ट मिला है, वो 588 रुपये मिला है। ठीक है, उधार दिया गया, इससे उसकी कुल वार्षिक आय 588 रुपये हुई है। तो यहाँ पे देखिए 588 रुपये दोनों इंटरेस्ट मिला के हुई है ना, जो 8% पे दिया था और 6/2/3% पे दिया था। ठीक है, वार्षिक आय यानी कि एक साल में जो इंटरेस्ट मिला है उसको 588 रुपये मिला है। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में बदल लूँ कि कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला है, तो मुझे दोनों का औसत परसेंटेज और दोनों की अलग अलग परसेंटेज मिल जाएगी। तो मैं एलिगेशन यहाँ पर लगा सकता हूँ। देखिए 588 अपॉन में यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितनी इस अमाउंट पे मिला है ना मुझे 588 रुपये, तो 8400 से इसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 7%। तो यहाँ पे जो औसत मिला है मुझे 7% इंटरेस्ट का मिला है, और जो पहले वाली अमाउंट दी थी मैंने 8% पे दी थी, और दूसरे वाली अमाउंट शेष अमाउंट दी थी 20/3% पे। तो यहाँ पे देखिए कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इनका रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, 8% 20/3% और दोनों का जो कॉम्बिनेशन मिला के वो 7% है। ठीक है, इंटरेस्ट का, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे बचेगा 1, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 1/3। तो यहाँ पे इनका रेशो क्या बन जाएगा, देखिए रेशो अगर मैं इनका निकालूँ 1/3 और 1 का, तो 1 का तो कुछ नहीं होगा, नीचे 1 ही आ जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 1:3, ये इनका रेशो आ जाएगा। 1:3 का मतलब है कि यहाँ पे जो पहले वाली जो इंटरेस्ट पे दी गई है अमाउंट वो 1 भाग दिया गया है, और जो सेकंड वाली दी गई है वो आपका 3 भाग दिया गया है 8400 रुपये का। ठीक है, तो 8400 रुपये को हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 3 और 1 4, 4 से भाग कर देंगे, और जिसका भी पूछा जाए 8% वाले का या फिर 6/2/3% वाली अमाउंट पूछी जाए तो उससे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 8400 को 4 से भाग करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया 8% पे कितनी अमाउंट दी गई थी, वो 2100 रुपये थी। और यहाँ पे क्या करेंगे, 8400 को 4 से भाग करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 6300। तो ये आपका दूसरे वाली अमाउंट दी गई थी ब्याज पे। ठीक है, जो यानी कि जो कि 6/2/3% पे दी गई थी। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, जो भी पूछा जाए वो ये आप आंसर लगा सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 7 और 13 के रेशो दिया गया है 7:13 के, प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए कि 7 और 13 का जो रेशो है इसमें क्या जोड़ा जाए कि जो नया रेशो बन के आए वो 2:3 का आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक्स को प्लस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 में मैं प्लस करूँगा एक्स और 13 में प्लस करूँगा एक्स, और ये कितना बन जाएगा 2:3, क्योंकि हमें वो अमाउंट तो निकालनी है ना कि प्लस क्या करें, छोटी से छोटी बोले बड़ी से बड़ी बोले वो अपना निकल के आ जाएगा, क्योंकि वो सारा काम इस रेशो का है। जब इस रेशो को हम इसके इक्वल रख देंगे, भाई आप ये बताइए हमें ये वाला रेशो तो दिया गया था, अब बोला गया इसमें क्या प्लस करें कि ये रेशो बन जाए, तो मैं क्या करूँगा इसमें एक्स प्लस कर दूंगा दोनों साइड में और ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7 या 21
और 3x, और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 और 2x। एक्स एक्स वालों को एक साइड में ले जाएंगे, कितना बचेगा x, और यहाँ पे जो 26 में से 21 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे ये x 5 का मतलब है कि अगर मैं 7 में 5 प्लस करूँ और 13 में 5 प्लस करूँ तो यहाँ पे ये वाला रेशो बन जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आया था अभी कल परसों ही आपका बोर्ड एंड स्ट्रीम से। यहाँ पे दिया गया था कि एक नाव धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में यानी कि बोले तो डाउन स्ट्रीम 10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में लेते तय हो जाती है, तो धारा के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम इतनी ही दूरी तय करने में 5 घंटे लेती है। यदि धारा का वेग 1.5 किलोमीटर पर आ रहा हो तो शेष शांत जल में नाव का वेग क्या होगा। देखिए हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पता है 10 किलोमीटर को 2 घंटे में पार किया जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, यानी कि डाउन स्ट्रीम होती है जो अब आपकी जो धारा का वेग होता है पानी का बहाव होता है उसी डायरेक्शन में नाव चलती है, और अपस्ट्रीम होती है जब धारा का वेग इस डायरेक्शन में होगा नाव इस डायरेक्शन में चलेगी तो उसको बोलेंगे अपस्ट्रीम। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम बोला जा रहा है कि 2 घंटे में कवर हो जाती है, तो इसकी चाल कितनी होगी, 10 को हम 2 से भाग कर देंगे तो डाउन स्ट्रीम की चाल होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और अपस्ट्रीम में चाल कितनी होगी वो 10 को 5 से भाग करेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 घंटे में कवर किया जा रहा है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस 1.5 किलोमीटर पर आर का कोई रोल नहीं है, हमें पूछा है कि शांत जल में नाव का वेग क्या होगा, तो शांत जल में नाव का वेग हम कैसे निकालते हैं। देखिए मैं जो स्पीड ऑफ बोट होगी वो मैं यहाँ पे क्या कर किया है x मान लिया, ठीक है, तो क्या कैसे निकालते हैं डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम और भाग कर देते हैं 2 से, तो हमारी क्या आ जाती है नाव का वेग आ जाता है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम को भाग कर देंगे 2 से, तो डाउन स्ट्रीम आपकी कितनी है 5 किलोमीटर पर आर, और डाउन स्ट्रीम है 5 किलोमीटर पर आर और अप स्ट्रीम है आपकी 2 किलोमीटर पर आर, दोनों को प्लस करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7/2, तो ये 3.5 किलोमीटर पर आर ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि ये चाल जो है ये आपकी किसकी हो जाएगी नाव की चाल हो जाएगी, और यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की हमने निकाल ली अप स्ट्रीम की निकाल ली, ये भी शायद कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में समान रफ्तार से जा रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो और एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करें तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखिए कई बार यहाँ पे चाल पूछ ली जाती है, कई बार लेंथ पूछ ली जाती है, और कई बार टाइम पूछ लिया जाता है। इन तीनों चीज़ों में से स्पीड लेंथ और टाइम में से अगर आपको 2 चीज़ें पता हैं तो तीसरी आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 रेलगाड़ियाँ हैं जिनकी 120 मीटर लंबी है दोनों की दोनों, और विपरीत दिशा में आ रही है, ठीक है, यानी कि एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है टाइम भी दे दिया गया है, ठीक है, लेंथ भी दे दी गई है दोनों की ट्रेन की, और जो स्पीड आपको निकालनी है। तो देखिए टाइम हमने यहाँ पे रख लिया 12 सेकंड, ठीक है। देखिए जब भी ट्रेन या कोई भी लंबी मूविंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पार करता है क्रॉस करता है तो दोनों की लेंथ प्लस हो जाती है, ठीक है, चाहे वो आपका प्लेटफॉर्म हो, चाहे आपकी ट्रेन हो, चाहे फिर आपकी वो कोई कार हो, या फिर कोई ब्रिज हो, कोई भी मतलब ऐसा जिसकी लंबाई हो सकती है वो पार करे तो उसकी भी लंबाई हम ऐड कर लेते हैं, और चाल दोनों की अगर दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों की चाल से प्लस करके डिवाइड करते हैं, अगर दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिर्फ ट्रेन की या फिर जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा उसकी चाल से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा चाल प्लस जब भी होगी जब दोनों के दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ को मूव कर रहे होंगे, ठीक है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ पे लेंथ 120 और डिवाइड करेंगे S1 प्लस S2, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 सेकंड, 120 प्लस 120, यहाँ पे कितना हो जाएगा S1 प्लस S2, ये हो जाएगा 2S, और ये हो जाएगा कितना आपका इस तरीके से हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई आपके, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 × 24S, और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोनों को प्लस करेंगे 240 किलोमीटर, यानी कि जो भी है मीटर सॉरी, तो यहाँ पे स्पीड हमारे निकल के आ जाएगी 240 को 24 से भाग करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आपकी आ गई स्पीड, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बाय चांस क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड नहीं दिया होता है किलोमीटर में दे रखा है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में बदल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रमेश तथा सतीश की वर्तमान आयु क्रम 40 तथा 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात ये था। अब जैसे अभी एक क्वेश्चन हम ऊपर करके आए हैं बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए रमेश और जो आपका सतीश है उसकी वर्तमान में आयु दे रखी है 40 और 60।
अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितने वर्ष पहले इनकी आयु का रेशो ये था, तो आप क्या करेंगे, कितने वर्ष पहले की बात की गई है तो दोनों में से हम एक्स एक्स माइनस कर देंगे और इस रेशो के इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है। अगर मैं इसमें से जो भी मुझे पता हो कि कितने वर्ष पहले इनकी ये रेशो था, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से कुछ माइनस करूँगा, इसमें से भी कुछ माइनस करूँगा, जो भी अगर मुझे पता होगा, तो ये वाला रेशो बन जाएगा। तो बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे, बस यहाँ पे मानेंगे है एक्स, ठीक है, इसमें से 40 में से एक्स माइनस करेंगे और 60 में से एक्स माइनस करेंगे, तो 3:5 का आपका ये रेशो बन जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 40 में, तो कितना हो जाएगा 200 - 5x, और यहाँ पे करेंगे 3 की 60 में, तो 180 - 3x हो जाएगा, ठीक है। तो अब x वालों को एक साइड में लेकर आएंगे तो 2x, और ये आपका इस साइड में आएगा तो कितना 20, तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, तो 10x ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 10 साल पहले इनका रेशो, एज का रेशो ये था, ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, 4 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आप कहीं थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेते हैं कैलकुलेट करने में, या फिर कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, देखिए ये बस ट्रिक आपको याद रखनी है, 4641, और जो 3 ईयर वाले की होती है उसकी क्या होती है, 331, ठीक है। तो ये 331 किसके है, 3 साल का अगर निकालना है, और 2 साल का तो आप निकाल ही लेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। वैसे उसमें आपका 21 होती है, और मतलब जो कोड होता है ट्रिक का वो 212 साल के लिए, 331 आपका 3 साल के लिए, और 4 साल के लिए होता है 4641। तो देखते हैं कैसे निकालना है। यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखी है 20,000, टाइम दे रखा है 4 साल का, और रेट दे रखा है 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना काम करना है कि 20% का 10% निकालिए, कितना, सॉरी 20,000 का 10% निकालिए, तो 2,000 आ जाएगा, और 2,000 में 4 की मल्टीप्लाई करिए, और पहले का कोड का काम खत्म हो गया, 8,000 आ गया। दूसरे कोड में आपको क्या करना है, फिर 2,000 का, यहाँ पे अब 20,000 नहीं लेना है, अब ये 2,000 जो आपने यहाँ पे निकाला था इसको निकालिए, जो इंटरेस्ट आता है 2,000, और इसका 10% निकालिए, उसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरा भी आपका रोल खत्म, 1,200 हो जाएगा। फिर इस 200 का आप 10% निकालेंगे, और 200 का जो भी परसेंट आएगा उसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, और आपका 80 हो जाएगा। फिर थर्ड में आप क्या करेंगे, जो 20 आया इसका 10% निकालेंगे, और यहाँ पे 1 के तो कोई मल्टीप्लाई करनी नहीं है, ये आपका 2 ही रहेगा, ठीक है। देखिए मैंने जो पहले वाले का बताया 2 और 1 कोड बताया, दूसरे वाले का 3 यानी कि 3 साल वाले का मैंने बताया 331, और 4 साल वाले का बताया मैंने 4641। अब ये 1 1 का कोई मतलब थोड़ा ही है, ये तो मल्टीप्लाई करो या ना करो, ये इसलिए है कि 4 साल का बनाने के लिए इसके कोड तो इसका 464 ही है, बट 4 साल का है तो इसलिए एक 1 भी ऐड कर दिया, और वो 3 साल का है तो उसमें 3 3 आपको याद ना रहे, तो 331 3 साल का, 2 साल में आपका 2 और 1, ये बस आपको करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बस अब आप इनको प्लस कर लीजिए, प्लस करेंगे तो 9282 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जो भी आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए दिया जाए, जितना भी परसेंटेज दी जाए उसका इंटरेस्ट निकालिए सबसे पहले, ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आ जाएगा, हमेशा यही होगा, इसमें कोई वो मत करिए सोचिएगा कि ये यहाँ पे हो गया और कहीं और पे नहीं लगेगा, आप 4 साल का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इसी ट्रिक से, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जो 2,000 आएगा, अब यहाँ पे 8,000 या फिर 20,000 नहीं लेना है, जो इंटरेस्ट आपने निकाला है ना इस 4 की मल्टीप्लाई करने से पहले, उस पर 10%, फिर उसमें 6 की मल्टीप्लाई, फिर जो आया 200 उस पर 10%, उसमें 4 की मल्टीप्लाई, फिर उस 20 का आपका परसेंटेज निकालना है, फिर आपका सभी को प्लस कर लेना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 24 छात्रों की एक कक्षा में एक 18 वर्ष के छात्र ने कक्षा छोड़ दी तथा उसके स्थान पर एक नए विद्यार्थी ने प्रवेश ले लिया, इससे इस कक्षा के छात्रों की औसत आयु 1 माह कम हो गई, नए विद्यार्थी का आयु कितनी है। देखिए अगर आयु जो औसत आयु है वो कम हुई है, इसका मतलब जो नया छात्र आया उसने जो 18 साल के छात्र ने कक्षा छोड़ी थी उससे कम आयु लेके आया, अगर वो उस जितनी लेके आता, देखिए एक 18 साल के, सॉरी ये 24 छात्रों की एक कक्षा का 18 वर्ष के छात्र ने कक्षा छोड़ दी, हाँ 18 वर्ष का ही एक बच्चा छोड़ के जाता और 18 वर्ष का ही एक नया बच्चा आ जाता तो औसत पे कुछ फ़र्क पड़ता, नहीं पड़ता ना। औसत कब इंक्रीज या डिक्रीज होगा, या तो जो नया बच्चा आएगा वो कुछ एक्स्ट्रा एज लेके आएगा 18 साल से, या फिर वो कम लेके आएगा, तभी तो इंक्रीज या डिक्रीज होगा औसत। तो यहाँ पे आयु जो औसत आयु है वो 1 माह से कम हुई है, इसका मतलब ये है कि वो 18 साल से छोटा है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए कुल आयु में कमी कितनी हुई है, 24 छात्र हैं, एक गया एक आया, अभी भी छात्र तो 24 ही है ना, तो 24 के 24 छात्रों का औसत कम होगा किससे, एक माह से, एक एक मंथ से। तो यहाँ पे 24 की मल्टीप्लाई एक से करेंगे, यानी कि 24 महीने से कम एज लेके आया है वो जो बच्चा आया है नया वाला, वो 24 महीने कम एज लेके आया है। तो आपको क्या करना है, 24 महीने का मतलब है 2 साल की कम एज लेके आए, तो जो 18 साल का बच्चा गया था, छात्र छोड़ के गया था क्लास को, उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, तो यानी कि जो नए वाला है वो 16 साल का है। तो सिंपल है, कोई डाउट नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, बस करने का तरीका आना चाहिए, ज़्यादा हार्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है। नेक्स्ट आपका देखिए एक और देख लेते हैं इसी तरीके का क्वेश्चन, एक कक्षा के 24 लड़के तथा उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। 24 लड़के और उनके अध्यापक की आयु 15 वर्ष है, यानी कि कितने हो गए, 25 हो गए, ठीक है। उनके अध्यापक की आयु 15 वर्ष है, अध्यापक को छोड़ दिए जाने पर औसत आयु एक वर्ष कम हो जाती है, अध्यापक की आयु कितनी है। अब देखिए अगर अध्यापक की अध्यापक के छोड़ देने से औसत कम हो रहा है, तो इसका मतलब जो 15 साल तो औसत दिखा रहा है ना सभी की आयु, तो अध्यापक 15 साल का नहीं है, अध्यापक कुछ बड़ा होगा, 15 साल से बड़ा होगा, तभी तो वो उसकी एज निकलती सब डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुल कमी कितनी हुई है, 24 छात्रों की औसत डिक्रीज हुई है एक एक से, तो यहाँ पे टोटल 24 वर्ष की कमी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे पहले वाले कितने थे छात्र, 15, तो ये तो 24 साल की तो कमी हुई है, और इतनी तो एज उसकी टीचर की भी होगी ना। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश ये करिए, 15 वर्ष औसत आयु है, 15 वर्ष औसत आयु का मतलब है कि 24 के 24 छात्रों की आयु 15 होगी सभी की, और जो टीचर है उसकी भी 15 होगी, औसत का मतलब ये है। पर जब औसत डिक्रीज होता है, इसका मतलब जो आपका अध्यापक है, अध्यापक के जाने से औसत डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी अध्यापक की एज है वो ज़्यादा है, जो 15 वर्ष से कुछ ज़्यादा है। तो इसका मतलब कितनी ज़्यादा है, जब एक एक साल डिक्रीज कर रहा है, यानी कि 24 बच्चों का एक एक साल डिक्रीज होगा, तो 24 साल से ज़्यादा है, ठीक है। 15 साल तो उसकी है ही, बट इतनी ज़्यादा है 24 से, तो इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, अध्यापक की आयु 39 वर्ष हो जाएगी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के कई क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में अभी पूछे जा रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ये भी पूछ लिया जाता है कि 2 संख्याएं 5:9 के अनुपात में हैं, प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ने पर नई संख्या का अनुपात 3:5 है, दी गई संख्या है। देखिए यहाँ पे जो 2 संख्या है 5 और 9, यानी कि 5x और 9x हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो रेशो में दे रखा है, तो संख्या तो आपकी 5x और 9x ही होगी, अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ने पर, दोनों संख्या में मैंने क्या किया, 15x और 9x में 16 16 जोड़ दिया, जो नया अनुपात बन के आता है वो आता है 3:5, तो नया अनुपात आपका 3:5 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कि दी गई संख्या है, तो ये संख्या आपको बतानी है, जो 5x और 9x लिखा है ना, ये संख्या आपको बतानी है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 की दर करेंगे तो 25x और 16 में करेंगे तो 80, यहाँ पे 3 में करें 9 की करेंगे तो 27x और यहाँ पे करेंगे तो 48। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x वालों को एक साइड में लेके जाएंगे तो 2x और इस साइड में लेके जाएंगे तो 32। x की वैल्यू कितनी आ गई, 32/2, तो x की वैल्यू आपकी आ गई है 16, ठीक है भाई। x की वैल्यू 16 आ गई है, तो आपको निकालना क्या है भाई, x की वैल्यू अगर 16 आ गई है, तो पहले वाली अगर संख्या निकालनी है, वैसे दी गई संख्या यहाँ पे पूछी गई, यानी कि दोनों संख्या पूछी गई है, तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे कितने में, ये आपका जो 16 आया है, और 9 की मल्टीप्लाई भी 16 में कर देंगे, तो ये आपकी दोनों संख्या आ जाएगी। तो पहले वाली संख्या तो आपकी 80 हो जाएगी, दूसरे वाली आपकी 144, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक देखिए दोस्तों ये वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे दे दिया जाता है आपको क्वेश्चन में 1/20 + 1/30 + 1/42, कुछ भी नंबर दे दिए जाएंगे, और पूछ ले जाएगा का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा अगर आप इस तरीके से प्लस करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, जितने भी आपको ये बटे में वैल्यूज दी होंगी इनका फैक्टर कर लेना है, जैसे, और फैक्टर इस तरीके से करना है कि उनका जो डिफरेंस है सभी का सेम आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 20 के फैक्टर करूँ तो 4×5=20, तो इनका डिफरेंस सेम आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए, ठीक है। 5×6=30, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस 1 है, ठीक है, इनका भी डिफरेंस आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, और इनका भी डिफरेंस आपका 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। और देखिए यहाँ पे छोटी छोटी सी गलती हो रखी है, 132 है यहाँ पे, 32 नहीं है, 132 है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए इनको कैसे सोल्व करना है, एक ये छोटी सी ट्रिक याद रखनी है बस, वन अपॉन डिफरेंस, जो भी इनके बीच में डिफरेंस होगा ठीक है, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और क्या करना है आपको, स्टार्ट वाली और माइनस एंड वाली वैल्यू जो होगी, स्टार्ट वाली वैल्यू मतलब वन अपॉन फोर और एंड वाली वैल्यू यानी कि मतलब आपका वन अपॉन ट्वेल्व, तो यहाँ पे वन अपॉन ये डिफरेंस तो वन ही है तो वन हो जाएगा, और शुरू वाली वैल्यू आपकी वन अपॉन फोर हो गई और लास्ट वाली आपकी वन अपॉन ट्वेल्व हो गई। माइनस करेंगे तो इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या होगा, थ्री में से माइनस वन यानी क्या इनका एलसीएम फोर आ जाएगा, सॉरी ट्वेल्व आ जाएगा, और फोर से डिवाइड करेंगे थ्री टाइम्स, तो थ्री माइनस वन तो आपका कितना आ जाएगा टू अपॉन ट्वेल्व, तो टू अपॉन ट्वेल्व को हम कट करेंगे टू से, तो टू वन जा टू और टू सिक्स जा ट्वेल्व, तो वन अपॉन सिक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का, बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको ये दे दिया गया है, देखिए वन अपॉन में फाइव इंटू नाइन प्लस वन अपॉन में नाइन इंटू थर्टीन प्लस वन अपॉन में थर्टीन इंटू सेवनटीन, इस तरीके से अगर आपको वैल्यूज दी होगी तो आपको तो और भी सिंपल हो गया ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया ना, डिफरेंस कितना है इनका फोर है ठीक है, तो वन अपॉन डिफरेंस आपका ब्रैकेट वन अपॉन स्टार्ट और माइनस वन अपॉन एंड, तो यहाँ पे वन अपॉन फोर डिफरेंस कितना है फोर है, तो वन अपॉन फोर स्टार्ट वन अपॉन फाइव और एंड आपका वन अपॉन सिक्सटी फाइव, तो इनको हम माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा वन अपॉइंट फोर, और इसमें से इनका एलसीएम ले लेंगे सिक्सटी फाइव, तो थर्टीन माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे वन अपॉइंट फोर है तो फोर से ये कट जाएगा ट्वेल्व थ्री टाइम, तो ये कितना हो गया आपका थ्री अपॉइंट सिक्सटी फाइव, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, बट ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और मैं करा देता हूँ। ए किसी खेत के दो बटे पाँच भाग की फसल की कटाई छः दिन में कर सकता है, बी इस खेत के एक बटे तीन भाग की फसल की कटाई दस दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर इस खेत के चार बटे पाँच भाग की फसल की कटाई की करने में कितने दिन लेंगे। तो देखिए ए टोटल वर्क, ए का टोटल वर्क पाँच बटे दो गुणा छः करेंगे हम, यहाँ पे देखिए दो बटे पाँच भाग तो वो छः दिन में काट देता है फसल का ठीक है, तो अब मुझे बताइए टोटल भाग को कितने दिन में काटेगा, तो कुछ नहीं करना है, दो बटे पाँच लिखा ना तो पाँच बटे दो करके छः में मल्टीप्लाई कर दो, ये पंद्रह दिन में टोटल कार्य को कर लेगा, यानी कि जो फसल की कटाई है दो बटे पाँच वो छः दिन में कर लेता है। अगर मैं बोलूँ वो टोटल सारी की सारी फसल की कटाई कितने दिन में कर लेगा, तो पंद्रह दिन में कर लेगा भाई ठीक है। वैसे बी एक बटा तीन भाग कर लेता है दस दिन में, एक बट बी जो है वो एक बटा सॉरी हाँ एक बटा तीन भाग वो दस दिन में काट लेता है, तो अगर मैं बोलूँ टोटल भाग को कितने दिन में काटेगा, तो तीन बटा एक करेंगे और दस की मल्टीप्लाई करेंगे तो तीस दिन में वो काट लेगा। तो अब हमें पता चल गया कि किसी फसल की कटाई ए तो कर लेता है पंद्रह दिन में, बी कर लेता है तीस दिन में ठीक है। तो हम यहाँ पे अब सिंपली जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे ही कर लेंगे, तो ए पंद्रह दिन में करता है बी तीस दिन में करता है, दोनों कैल्शियम लेंगे तो तीस आ जाएगा, तीस को पंद्रह से भाग करेंगे दो, यानी कि ए जो है एक दिन में दो यूनिट काटता होगा फसल का, और तीस को तीस से भाग करेंगे तो बी एक दिन में एक यूनिट काटता होगा फसल का ठीक है। अब पूछा दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर तो भाई तीन यूनिट वर्क करते हैं एक दिन में, तो तीस का सॉरी यहाँ पे कुछ और पूछा है आई थिंक, यहाँ पे बोला गया है कि दोनों मिलकर इस खेत का चार बटे पाँच भाग सॉरी ठीक है, ये चार बटे पाँच भाग पूछा गया है, तो तीस का चार बटे पाँच भाग निकालिए कितना है चौबीस यूनिट, तो चौबीस यूनिट को कितने दिन में कट करेंगे दोनों के दोनों मिलकर के, तो तीन यूनिट वर्क रोज करते हैं तो चौबीस को तीन से भाग कर देंगे तो एट डेज आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि आठ दिन में ये पूरे के पूरे खेत को काट सकते हैं दोनों मिलकर के ठीक है, जिसे ए अकेला पंद्रह दिन में कट करता और बी अकेला तीस दिन में करता, दोनों मिलकर इसको आठ दिन में कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम के चैनल से टॉपिक स्टडी के, अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर ज्वाइन नहीं है तो टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, तो वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।